हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। और आज फिर कविता रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 400 ग्राम पनीर लिया है, इस तरीके से पीसेस में काट लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर देते हैं, इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स हो गया है। देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म है, हम डाल दिए बटर थोड़ा सा। अब बटर जब पिघल जाएगी, इस तरीके से पिघला लेते हैं बटर को। देखिए पिघल गई, अब हम डाल देते हैं पनीर। पनीर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सारे पनीर को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे। जब तक दोस्तों पनीर एक तरफ फ्राई हो रहा है, तब तक यहाँ पर हम रेडी करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो हम प्याज 2 लिया है मीडियम साइज़ का, और 2 टमाटर, और 10-15 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक। हम इसको पेस्ट बना लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। देखिए तब तक हमारा पनीर एक तरफ फ्राई हो गया, हम इसको पलट लेते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो गया है ना। अब हम इसी तरीके से सारे पनीर को पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से एक तरफ फ्राई हो गया है दोस्तों। हम फिर से एक तरफ दूसरे तरफ से अब पलट लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो पनीर बहुत अच्छा से होगा, टूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा पनीर रेडी हो गया। मैं एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए पनीर कितना अच्छा से फ्राई हो गया है ना दोस्तों। वही कढ़ाई में 50 ग्राम पनीर बटर ऐड कर दिए, बटर सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, बटर पनीर है तो बटर तो ज़्यादा लगेगा ही। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छा से कलर आता है इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों। अब हम ऐड कर देते हैं पेस्ट टमाटर और प्याज का, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। देखिए 2 मिनट हम इस तरीके से चला लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा और चला लेते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। देखिए नमक से जल्दी पक जाएगी प्याज और टमाटर। और थोड़ा सा और चला लेते हैं, और यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए यहाँ पे ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, ढक दिए। अब दोस्तों हम ये बहुत अच्छा सीक्रेट बता रहे हैं आपको। देखिए 50 ग्राम पनीर लिया है, और 10-15 काजू रोस्ट करके रखा हुआ था काजू, और 4 चम्मच दही। दोस्तों हमारे पास काजू रोस्ट किया हुआ था, आपके पास सादा सादा ले ले। देखिए दोस्तों, हमारे पास पेस्ट तैयार हो गया है मिक्सर में, पीस लिया इसको भी। देखिए क्रीम जैसा लग रहा है ना। देखिए अब हम मसाला देख लेते हैं कैसा पक रहा है। देखिए कितने अच्छे से मसाला पक गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छा से मसाला पक के यहाँ पे हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों सूखा मसाला। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। ये हम चारों मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए टमाटर के यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे हम अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। देखिए कितना अच्छा से बटर दिख रहा है। हम इसको 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। देखिए 2 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छे बटर और मसाला सेट हो गया है, कितना अच्छा से। देखिए अब थोड़ा सा और हम चला लेंगे यहाँ पे, तो अच्छे से इसी तरीके से हम चला लेंगे। कढ़ाई में लगने नहीं देंगे, ऐसे भी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो लगेगी नहीं मसाला। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। और हम स्पाइसी के लिए 3 हरी मिर्ची काट के डाल दिए, क्योंकि लाल मिर्ची तीखा नहीं था, तो हम स्पाइसी पसंद है तो हम डाल दिए मिर्ची। अब हम यहाँ पे ऐड कर दिए काजू और दही और पनीर का जो हम पेस्ट बना रखे थे वो क्रीम, इसको आप क्रीम बोल सकते हो। यहाँ पे हम ऐड करते हैं। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी तरीके से हम मसाले को भूनते रहेंगे, इसी तरह से चलाते रहेंगे दोस्तों। 2-3 मिनट यहाँ पे हम चलाएंगे अच्छे से मसाला। देखिए कितना अच्छा से मसाला पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, जो मिक्सर जार हम धो के यहाँ पे डाल दिए थोड़ा पानी। और अब हम इसी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छा से मसाला लग रहा है ना, पूरा ऐसा लग रहा है बटर और पनीर जो पीस के डाला हमने, काजू और दही, बहुत अच्छा से मसाला बनता है। देखिए कितना अच्छा से मसाला बन गया है। देखिए और बटर हमने भी डाल दिया है 50 ग्राम, 10 ग्राम पहले भी डाला था। देखिए कितना अच्छा से मसाला बन गया दोस्तों। अब हम ऐड कर देते हैं फ्राई किया हुआ पनीर। अब पनीर को यहाँ पे हल्के हाथों से हम चलाएंगे, पनीर ऐसे भी टूटेगी नहीं, फ्राई किया हुआ है। फिर भी दोस्तों पनीर है तो नरम रहती है,
तो इसलिए अच्छे से हम यहाँ पे मसाला मिक्स कर देंगे पनीर में। देखिए ना चटपटा बना है ना, देखिए कि यहाँ पे छोलनी से मसाला छूट ले रही है एकदम ना अच्छा से। हम डाल देते हैं अब एक चम्मच पनीर मसाला, पनीर मसाला भी अच्छे से ऐड कर देते हैं इसमें, मिक्स कर देते हैं अच्छे से चला के इस तरीके से। देखिए अभी भी हमारा पनीर मसाला भी ऐड हो गया है। अब हम डालेंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे। देखिए कस्तूरी मेथी तवे पे हमने गरम करके अच्छे से क्रश करके डाल दिया है इसमें। कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छा आती है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो आप डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनेगा आपको। देखिए दो मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं दोस्तों। देखिए मसाला बन के हमारा रेडी हो गया है, बटर पनीर मसाला रेडी हो गया है दोस्तों। ज़रूर अपना घर पे बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा एकदम दोस्तों। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास जाए दोस्तों, और अपने दोस्तों और सहेली के पास शेयर भी करें। चलिए दोस्तों अब हम एक बर्तन में अपना बटर पनीर मसाला सर्व करते हैं गरम गरम। देखिए कितना अच्छा से लग रहा है ना, तो मस्त बना है, बहुत अच्छा से बना है। उसी तरीके से आप भी बनाएं और अपने फैमिली के साथ खाएं दोस्तों, और खुश रहें। बहुत अच्छा से बनती है रेसिपी, बहुत इजी है बनाना और बहुत आसान है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ मगजमारी नहीं है, बहुत अच्छा से बन जाती है दोस्तों। देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं और बटर डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए फिर बटर डाल देते हैं, बटर पनीर है तो बटर बोले थे ना, बटर ज़्यादा लगता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से बन के रेडी हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी से बन के रेडी हो गया है। आप भी अपना घर पे बनाएं और अपना फैमिली के साथ खाएं और खुश रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।